हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। वेलकम बैक टू द न्यू क्लास, न्यू सेशन, ब्रांड न्यू क्लास ऑफ वोकैबुलरी एंड वर्ड चार्ट्स। वर्ड चार्ट्स और वोकैब के लिए मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है। लगभग हर दूसरे दिन एक नई वीडियो आ जाती है वोकैब की, सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर वर्ड पावर एंड यू कैन इन्हेंस योर जर्मन लैंग्वेज स्किल्स। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। डिफिकल्ट वर्ड्स हम देखेंगे विद सम एग्जाम्पल्स। देन शॉक फ्यूलन, शॉक मीन्स इंग्लिश वर्ड है शॉक, शॉक फ्यूलन, फील करना शॉक। कोई जैसे क्लैमिटी होती है, कोई भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, ठीक है, तो वी आर इन शॉक। इश फ्यूलम इश शॉक, जिश शॉक फ्यूलन, ये रिफ्लेक्सिव वर्ब है, जिश। इश फ्यूलम इश देन शॉक, ओके, इश फ्यूलम इश देन शॉक मीन्स आई एम फ्राइटेंड। एक और वर्ड है एयर श्रैकन, एयर श्रैकन, एयर श्रैकन भी होता है टू फील शॉक्ड, फ्राइटेंड, आप डरे हुए हो, ठीक है, आप डरे हुए हो, शॉक्ड हो, कोई चीज़ आपने ऐसी देख ली जिससे कि आप डर गए हो, फ्राइटेंड हो गए हो, लाइक आपने सामने से डॉग देख लिया या फिर आपने टाइगर देख लिया, तो इश फ्यू लेम इश डन शॉक, आई फील द शॉक, आई कैन स्टिल फील, आपके सदमे में हो आप, ठीक है, आप शॉक लग गया आपको, इश फ्यू लेम इश डन शॉक, क्लियर, देयर शॉक, तो अकुजेटिव डेन। नेक्स्ट फॉल्स स्टैंडिश सेस्ट्योरन, सेस्ट्योरन मीन्स डिस्ट्रॉय, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, पूरी तरह से तहस नहस कर देना, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देना, फॉल्स स्टैंडिश कंप्लीटली, एंटायरली, एंटायरली, ठीक है, एंटायरली, फुली, फुली, सेस्ट्योरन, ठीक है। ये मांड हाट माइन हाउस, फॉल्स स्टैंडिश सेस्ट्योर, किसी ने मेरा घर पूरी तरह तहस नहस कर दिया, फॉल्स स्टैंडिश मीन्स कंप्लीटली, एंटायरली, फुली, पूरी तरह से, फॉल्स स्टैंडिश, ओके। आप इसको कहीं और भी यूज कर सकते हो, इश हाब ओवर द हाउस ऑफ गावा फॉल्स स्टैंडिश ये मार्क्ड, आई हैव डन द हाउस ऑफ गावो, फॉल्स स्टैंडिश को आप यूज़ कर सकते हो आरबाइट के साथ, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, मैंने अपना ऑफ गावो कंप्लीट कर लिया है, फॉल्स स्टैंडिश, ठीक है। सेंटेंस बोलते हैं ना बेटे, फॉल्स स्टैंडिंग एन जी टेंसेंस, वर्ब भी होती है, ठीक है, सेंटेंस के साथ भी, जेड से फॉल्स स्टैंडिंग, ठीक है, फॉल्स स्टैंडिश श्राइबन, कंप्लीट करो सेंटेंस को, सेंटेंस कुछ इनकम्प्लीट उनको कंप्लीट करो, फॉल्स स्टैंडिश। तो यहाँ पे सेस्ट्योरन वर्ब है, सेस्ट्योरन मीन्स डिस्ट्रॉय करना, पूरी तरह से तहस नहस कर देना, डिवेस्टेट कर देना, ठीक है, डिवेस्टेट, डिवेस्टेशन, डिवेस्टेट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेस्ट्योरन, सेस्ट्योरन, ठीक है। परफेक्ट बनेगा इसका, तो परफेक्ट बनेगा सेस्ट्योर्ट, सेस्ट्योर्ट, ठीक है, सेस्ट्योर्ट परफेक्ट बनेगा। ग्रामर की क्लास करनी है आपको तो डेली आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उसको नीचे ज्वाइन कर लेना, उस पर मैं पोस्ट करता हूँ डेली किस टाइम पे इवनिंग में लाइव क्लास होने वाली है, तो उससे आपकी ग्रामर इंप्रूव हो जाएगी, वो कैब आप यहाँ देखते रहिए मेरे साथ, तो सब चीज़ आपको मिलेंगी इस चैनल पे। चलिए, आउगन सोयगन, आउगन सोयगन क्या था, आई विटनेस, आई विटनेस, ठीक है, किसी का मर्डर हो गया है, ठीक है, किसी का मर्डर हो गया है, एर मॉडर्न, क्या बोलते हैं, एर मॉडर्न, एर मॉडर्न मीन समबडी हैज़ बीन मर्डर्ड, एर मॉडर्न, ठीक है। और टेटन, किसी को किल कर दिया है, तो अवगन सोयगन उसके आई विटनेस होते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, आई विटनेस से पूछती है, अवगन सोयगन से, हाबन जी एट वॉज गेसे, क्या तुमने कुछ देखा, म्यूस्टन जी एट वॉज जागन, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो इसके बारे में, ओके, जीज इन अवगन सोयगन, यू आर आई विटनेस, ठीक है, आपने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, कोई रोड पर एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, कोई उनफाल हो गया है, उनफाल, ठीक है, डेयर उनफाल होता है, ठीक है, उनफाल हो गया है, तो जीज इन अवगन सोयगन, आप आई विटनेस हो, आप अपना एविडेंस देते हो, आप बोलते हो, आप स्टेटमेंट देते हो अपनी, ठीक है, आप बताते हो कि इश हाबे दास गेजेयन, ओके, दास आउट हो इस्ट देर स्नेल गेफारन, देर आउट ऑफ फारर वार बित्रुंकन, ड्रंकन था, आउट ऑफ फारर बित्रुंकन, उसने ड्रंक किया हुआ था, बित्रुंकन, ठीक है, आप बोल सकते हो, बिकॉज आप अवगन सोयगन हो, आपने आई विटनेस हो, आपने अपनी आंखों से देखा है, ठीक है, सोयगन विटनेस हो, सोयगन मीन्स विटनेस, अवगन अपनी आंखों से देखा है, आई विटनेस हुआ, बोलते हैं ना आई विटनेस है, ठीक है, इस केस में ये लोग आई विटनेस है, मतलब गवाह है, इन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, तो अवगन सोयगन। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑफर साल, ऑफर साल मतलब ऑफर, दो वर्ड, ऑफर मीन्स विक्टिम, ठीक है, विक्टिम, किसी भी दुर्घटना के विक्टिम, साल मीन्स नंबर, ऑफर साल, ठीक है, तो पूरा आर्टिकल बनाएगा डी ऑफर साल, डी ऑफर साल, ठीक है, विक्टिम्स की जो संख्या है, विक्टिम्स की जो नंबर है वो बढ़ते जा रहे हैं, ऑफर सालिस्ट गिस्टीगन, अगर बढ़ रहे हैं तो गिस्टीगन, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कुछ भी लिख सकते हैं, गिजुंकन, ठीक है, कम हो रहे हैं, ये मैंने बहुत बार बताया, गिजुंकन कम होना, गिस्टीगन बढ़ना, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, जाइन,
ठीक है, ईस्ट गेस्टिगन या ईस्ट गेजुंकन और फॉर साल नंबर ऑफ विक्टिम, किसी भी चीज़ के विक्टिम हो सकते हैं, किसी दुर्घटना के विक्टिम हो सकते हैं, ठीक है, किसी ट्रेजेडी के विक्टिम हो सकते हैं, कोई नेचुरल क्लैमिटी आ गई है, ठीक है, कोई हादसा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो ओफर साल, ठीक है, विक्टिम नंबर ऑफ विक्टिम, दी ओफर साल इस्ट प्लोटस्लिश गेस्टिगन सडनली द नंबर ऑफ विक्टिम हैज बीन इंक्रीज्ड, बढ़ गए हैं, प्लोटस्लिश, एक और वर्ड बता रहा हूँ, प्लोटस्लिश, प्लोटस्लिश ये शायद आपको पता होगा, प्लोटस्लिश सडनली अचानक से, जिस्ट इज साल एरह्योहन ऑफ, साल मीन्स नंबर, अभी बताया था साल मीन्स नंबर, एरह्योहन मीन्स इंक्रीज होना, ये भी दूसरा वर्ड है इंक्रीज होना, ठीक है, नंबर इंक्रीज हो गए हैं, कहाँ तक, ऑफ के बाद हम डिजिट लिखेंगे कोई भी, ठीक है, 20 या फिर 35 जो भी आपको लिखना है, 42 कोई भी आप नंबर लिख सकते हो, ओके, दिट साल एरह्योट जिश, कैसे बनेगा सेंटेंस, दिट साल ओफर साल भी लिख सकते हो, दिट साल एरह्योट सिंगुलर है, एरह्योट जिश आउफ द्राई कोमा 905, मतलब जो नंबर है वो बढ़ के इतना हो गया 3105 हो गया है, ठीक है, इट साल एरह्योट जिश आउफ, यहाँ पॉइंट आएगा, ठीक है, कॉमा नहीं, पॉइंट लगाते हैं हम जर्मन में, ठीक है, नंबर में जब हम पॉइंट लगाते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं कोई भी हमें नंबर लिखना है, तो ये मतलब 2100 इस तरह से, आउफ में एग्जाम्पल एरेगन, एरेगन मीन्स एजिटेट करना, ठीक है, एक्साइट करना, बढ़ाना, इंक्रीज करना, सिंपल वर्ड में इंक्रीज करना किसी का, ठीक है, किसी की अटेंशन बढ़ाना, आउफ में एग्जाम्पल एरेगन, इश्म्योस्टे ईरे आउफ में एग्जाम्पल एरेगन दामिटी डॉयश लैरनन क्योनन, ठीक है, आउफ में एग्जाम्पल डी आउफ में एग्जाम्पल अटेंशन, किसी की अटेंशन बढ़ाना, इंक्रीज करना, ओके, इश्म्योस्टे ईरे आउफ में एग्जाम्पल हापन आई वुड लाइक टू हैव योर अटेंशन, हम बोलते हैं ना B1 में स्पीकिंग एग्जाम के एंड में फील एंड डांग फ्योर ईरे ऑफ मै एग्जाम काइट, मैनी थैंक्स फॉर योर अटेंशन, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ध्यान से सुना, ठीक है, तो ऑफ मै एग्जाम काइट एरेगन, बढ़ाना, इंक्रीज करना, उकसाना, ठीक है, एजिटेट करना, एक और होता है ऑफ मै एग्जाम काइट शेंकन, शेंकन मतलब गिफ्ट करना नहीं, शेंकन मतलब देना, टू गिव, ओके, ऑफ मै एग्जाम काइट, ठीक है, मैं अपनी अटेंशन दे रहा हूँ, इस शेंके मायने ऑफ मै एग्जाम काइट फुल स्टैंडिश, याद रहेगा फुल स्टैंडिश मीन्स कम्प्लीटली फुली पूरी तरह से मैं अपनी ऑफ मै एग्जाम काइट अपनी अटेंशन दे रहा हूँ, मैं पूरा फोकस कर रहा हूँ, पूरा कॉन्सनट्रेट कर रहा हूँ, एक और बोल सकते हैं डी कॉन्सनट्रैक्शन, कॉन्सनट्रैक्शन, ठीक है, ये नाउन है, यहाँ पे वर्ब भी होती है रिफ्लेक्सिव, जिश कॉन्सनट्रियरन, जिश कॉन्सनट्रियरन, ठीक है, वर्ब में स्मॉल आएगा प्लस ऑफ अक्यूजेटिव, ठीक है, ये वर्ब है, ठीक है, ये नाउन है, नाउन में फर्स्ट कैपिटल होता है, वर्ब में फर्स्ट स्मॉल होता है, तो कॉन्सनट्रेशन, ठीक है, कॉन्सनट्रेशन देना, अटेंशन देना, तो ऑफ मै एग्जाम काइट रेगन वर्ब है, रेगन, ठीक है, शेंकन भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, बेत्सालन फिर सूजाट्स फंक्शन, बेत्सालन मतलब पे करना, ठीक है, पे करना, ये सब वर्ब स्मॉल आएंगे तो टाइपिंग एरर है तो कैपिटल हो गया, स्मॉल लिखोगे, बेत्सालन पे करना, क्या सूजाट्स मीन्स एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा और फंक्शन, कई बार मोबाइल लेते हो, मोबाइल में एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं तो उसके लिए प्राइस बढ़ जाते हैं मोबाइल के ना, इस बेत्साले फिर सूजाट्स फंक्शनन, गाड़ी में एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, LXI, VXI, ZXI मॉडल होते हैं, इनके फीचर्स के हिसाब से इनके मॉडल बने होते हैं, तो आप एक्स्ट्रा पे करते हो, ओके, इस बेत्साले एक्स्ट्रा फिर सूजाट्स फंक्शनन, सूजाट्स एक्स्ट्रा फंक्शन है कुछ दूसरों से गाड़ी से हटके, मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, कार हो सकती है, ठीक है, आपका टू व्हीलर कोई भी हो सकता है, तो सूजाट्स फंक्शन, सूजाट्स मीन्स एक्स्ट्रा, सूजाट्स फंक्शनन, ये एक ही साथ लिखेंगे हम बेत्सालन, अच्छे वर्ड्स है ना ये सारे वर्ड्स, मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ ऑनलाइन और वहाँ से मेरे को मिलते हैं, तो फिर मैं आपको भी सिखा देता हूँ, मैं खुद सीखता हूँ पहले फिर आपको सिखाता हूँ, तो इस तरह से जर्नी आगे चलती रहेगी हमारी, लर्निंग टीचिंग का प्रोसेस आगे बढ़ता रहेगा, बस आप चैनल पे बने रहो, देखते रहो वीडियो, लाइक करते रहो, चैनल सब्सक्राइब करते रहना अगर आपको पसंद आता है, तो इसी तरह से वीडियोस देखते रहो, और मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लाता रहूँगा, जर्मन डेली आपको सिखाता रहूँगा, खुद भी सीखता हूँ और आपको भी सिखाता हूँ, डेम नेक्स्ट मीन्स सून, जर्मन में बाल्ड रिसेंटली एक और वर्ड है, रिसेंटली को हम क्या बोलते हैं, नॉयलिश, ये सारे वर्ड्स आप याद कर लेना, तो बाल्ड, नॉयलिश और डिमनेक्स्ट, जैसे इश्म्योस्टे डिमनेक्स्ट,
I noise out ho kaufen. Recently, I want to buy a new car. Dem next, kaufe ich eine Wohnung in Frankfurt. मैं फ्रैंकफर्ट में वेरी सून क्विक बहुत जल्दी एक अपार्टमेंट खरीदूंगा. इश श्राइबे डेम नेक्स्ट बेच स्वाई प्रूफ हूँ. मैं बहुत जल्दी वेरी सून आई विल राइट बेच स्वाई प्रूफ हूँ. ठीक है, तो डेम नेक्स्ट मीन्स सून बाल्ड. फोर विर्फ कंप्लेंट करना, किसी चीज़ की कंप्लेंट करना. फोर विर्फ आपको कंप्लेंट है किसी से, तो फोर विर्फ वर्ब इज माखन. फोर विर्फ हाबन. ओके, इश हैव अ फोर व्यूर, इश हैव अ कंप्लेंट, आई हैव कंप्लेंट. और हम क्या बोलते हैं, बिश्वेड, बिश्वेड, बिश्वेड हावन, डी बिश्वेड हावन. ओके, डी बिश्वेड हावन. इसके लिए वर्ब भी है जिश बिश्वेरन, जिश बिश्वेरन, जिश बिश्वेरन प्लस बाय. ठीक है, फ्योर समथिंग, किसी चीज के बारे में किसी से, जैसे इश बिश्वेर मिश बाय फ्राउ गुप्ता. फ्योर फ्योर दस प्रोडक्ट, मेरे को कंप्लेंट कर रही है मिस गुप्ता से इस प्रोडक्ट को लेकर. किससे करनी है, बाय. ठीक है, किस लिए करनी है, फ्योर प्रोडक्ट. सो इस बिश्वेर मिस बाय फ्राउ गुप्ता फ्योर दस प्रोडक्ट. ठीक है, मेरे को इस कंप्लेंट करनी है इस प्रोडक्ट को लेके मिस गुप्ता से. और इस हाब है फॉर वर्फ, इस माख फॉर वर्फ, मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ फॉर वर्फ. ठीक है, बेकलागन एक और वर्ब है, जिश बेकलागन. ये सारी वर्ब आप नोट करोगे एक जगह पे, ठीक है, आपको काफ़ी तैयारी में हेल्प मिलेगी. जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करो बहुत हेल्प मिलेगी इस तरह की वोकैब से. वोकैब की व्हाट्सएप की प्लेलिस्ट जरूर देख लेना, गारंटी से कह रहा हूँ आपकी व्हाट्सएप विद इन 30 डेज. 30 डेज का चैलेंज काफ़ी स्टूडेंट्स ने स्वीकार किया है, आप भी स्वीकार करना, आपकी वोकैब भी काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाएगी. उसके बाद आप बुक पढ़ना अपनी B1 B2 की, आपको बड़ा चाइल्डिश लगेगा कि ये तो सब मेरे को आता है, मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है. आपकी प्रॉब्लम रहती है कि वोकैब कैसे लर्न करें, वोकैब का कोई तरीका बताओ, कोई शॉर्टकट बताओ, कोई मंत्र बताओ. ये वीडियो, ये प्लेलिस्ट व्हाट्सएप्स की सारी, ये वोकैब का मंत्र है. ये आपको लग रहा है सिंपल 10 वर्ड्स है, बट इनके ऊपर बहुत मेहनत की गई है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई के बाद ये 10 वर्ड्स मैंने फाइंड आउट करे हैं. 10 वर्ड्स हैं बट बहुत यूज़फुल हैं. पुरानी वीडियोज़ देखना, डेली 10-15 वर्ड्स ही हम करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं और बहुत ज़्यादा हम लेटेस्ट वर्ड्स करते हैं, अपडेटेड वर्ड्स करते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. होफनुंग ब्लाइबन स्टे, उम्मीद अभी है, अभी उम्मीद टूटी नहीं है, उम्मीद है. होफनुंग इश ब्लाइबे. ओके, एस ब्लाइट नॉक डी होफनुंग. एस ब्लाइट मतलब अभी भी होप है. एस ब्लाइट नॉक डी होफनुंग. ठीक है, कोई मैच चल रहा है फुटबॉल का या क्रिकेट का, इंडिया सेमीफाइनल में आ गई है, बट अभी आप बोलते हैं एस ब्लाइट नॉक डी होफनुंग, स्टिल अभी होप है कि इंडिया फाइनल भी जीत जाएगी और पूरी चैंपियनशिप जीतेगी. एस ब्लाइट नॉक डी होफनुंग. इट स्टे रिमेन्स, होप अभी है. ठीक है, अगर होप टूट गया है तो क्या बोलते हैं, ऑफ गेवन. ऑफ गेवन मीन्स गिव अप. ओके, ऑफ गेवन ये सेपरेबल है. इश हाव डी होफनुंग ऑफ गेवन, मैंने होप छोड़ दिया है, गिव अप कर दिया है, अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है. ओके, जैसे हम बोलते हैं बिटर गेवन जी डी होफनुंग नी आउव, नेवर गिव अप द होप, उम्मीद कभी मत छोड़ना. ठीक है, नेवर गिव अप द होप. तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, हम इम्परेटिव बिटर गेवन जी डी होफनुंग नी, ये बहुत परफेक्ट सेंटेंस है. गेवन जी डी होफनुंग नी आउ, हमारे टीचर बताते थे हमें जब हम पढ़ते थे कि बिटर गेवन जी डी होफनुंग नी आउ, नेवर गिव अप, हमेशा तैयारी करो, हमेशा पढ़ाई करो, रिजल्ट हमेशा अच्छा आएगा. और रिजल्ट अच्छा आया, बहुत अच्छा आया, जर्मन इतनी अच्छे से सीखी कि आज आपके सामने है, आज आपके सामने रिजल्ट है, अभी भी सीख रहे हैं और आपको सिखा भी रहे हैं. तो बिटर गेवन जी नी आउ, नेवर गिव अप, हमेशा आगे बढ़ते रहो, रिजल्ट अपने आप आएगा, मेहनत करते रहो, तैयारी करते रहो, ये ही सक्सेस मंत्र है आगे बढ़ने का, कोई शॉर्टकट नहीं है. बहुत अच्छा लगा आज की क्लास में, आई होप आपको भी क्लास पसंद आई होगी. चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, और कोई फीडबैक हो तो जरूर कमेंट करके बताना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग जर्मन क्लास, कीप लर्निंग विद मी. बाय बाय, टेक केयर, चीयर्स.